क्या बात है यार, तुम लोग तो प्रॉपर रिहर्सल करके आए हो, मानना पड़ेगा। अरे पर ढक्कनों, हमें ड्रामा यहाँ पर थोड़ी करना है, हॉल में करना है। और तुम लोग इस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ बगीचा है, उस तरफ जाना है। यहाँ से लेफ्ट लेके सेकंड राइट वाला जो रूम है उसमें सारा गोल्ड है, सारा सोना उस कमरे में, राखी के कमरे में, राखी यानी कि लड़की की माँ। अरे वो राखी और करीना आपस में बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे पता है। तो तुम लोग पहले राखी के कमरे में जाओ, जितना भी सोना है लूट लो, और उसके बाद लिविंग रूम में आओ। अरे सारा ड्रामा लिविंग रूम में होना है, भूल गई क्या? बताया था मैंने। हाँ, और याद है ना वो करण, वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसको डबल पिटाई करनी है। जितनी ज्यादा पिटाई करोगे उसकी उतना डबल ज्यादा पैसा दूंगा मैं, याद है ना? और हमारे बीच जो फाइट होनी है एकदम रियल लगनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करो यार। हाँ, ऑल द बेस्ट गाइस। अबे ये क्या नई नोटल की आ गई है? जो भी था बॉस, ये तो पता चला कि सोना कहाँ है, उसी कमरे में चलते हैं। चलो। क्या बात है पृथ्वी, तेरा भी जवाब नहीं, क्या गेम खेला है तूने। आज बनेगा तू हीरो नंबर वन। हाँ, लेकिन शालिन बेबी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। पृथ्वी का मैसेज। एक सेकेंड। बेबी आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे मेरा मतलब है, आज तक सिर्फ तुम्हारी नजरों में हीरो था ना मैं, पर आज तुम देखना, आज पूरी मुंबई की नजरों में हीरो बन जाऊंगा मैं तो वेट ही नहीं कर सकता यार। सब कुछ हो गया? सब सेट है बेबी। वो मेरे भाड़े वाले गुंडे मास्क पहन के पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और कुछ ही टाइम में ड्रामा शुरू हो जाएगा। लेकिन पता है उससे पहले मैंने क्या किया? भाड़े के गुंडों को राखी के कमरे में भेज दिया। अरे राखी के कमरे में बहुत सारा सोना है ना, तो मैंने उनसे कहा कि जाओ पहले सोना लूट लो, उसके बाद हॉल में आके बाकी का ड्रामा शुरू कर देना। मान गई ना? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, आज के बाद सबकी नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा। एक सेकेंड, ये सब करने से पहले ना मैं तुम्हारी मेहंदी देखना चाहता हूँ। मतलब क्या लगा तुम्हें कि मैं भूल गया? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने वो किया या नहीं जो मैंने तुमसे करने को कहा था, या फिर मैं ही वो बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी सारी विश पूरी करता रहता हूँ। अच्छा, तो तुम ही ढूंढ लो कि मैंने तुम्हारी विश पूरी की है कि नहीं। नहीं मिला बेबी, तुम ही बता दो ना कहाँ है। इसी में है, ध्यान से देख। ईवा पृथ्वी यानी कि मैं। क्या बात है बेबी, तुमने तो मेरी विश पूरी कर दी और प्रूव भी कर दिया कि तुम पृथ्वी की गर्लफ्रेंड हो। क्या हो रहा है? तुम शर्लिन का हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं पृथ्वी, तुम शर्लिन का हाथ अपने हाथों में लेकर क्या कर रहे थे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो मैंने तो बस हाथ एग्जैक्टली माय पॉइंट, तुम हाथ पकड़कर कर क्या रहे थे? नाम देख रहा था मैं, हाथ में नाम देख रहा था। रिल या? हाँ ऋषभ जी,
वो एक्चुअली पृथ्वी जी को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होती है, तो वो आपका नाम मेरे हाथों में ढूंढ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मेहंदी से ऐसे नाम लिखा जा सकता है, तो बस मैं उन्हें दिखा रही थी। आप चाहते अपना नाम देखना, बहुत क्यूटली लिखा है। श्योर। क्या हो? शो मी द नेम। अरे नहीं शलीन जी, मत दिखाओ अपना हाथ, मत दिखाओ। क्यों क्यों नहीं दिखाई? Why can't I see? मेरी मॉम ने मुझसे कहा था ऋषभ जी कि होने वाली दुल्हन के हाथ में जब मेहंदी लगती है ना, उसके तुरंत बाद दूल्हे को नहीं देखना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। अच्छा नहीं होता है, मतलब बाहर वाले देख सकते हैं, दूसरे देख सकते हैं, जैसे कि मैं बाहर वाला हुआ। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि जिन हाथों में मेहंदी लगती है उसमें दूल्हे का नाम लिखा जाता है, और अब तुम ये बड़ी बड़ी बातें करके सुना रहे हो। What are you trying to say? तुम, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमको। होता है कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है, हर किसी के साथ होता है ऐसा। जैसे कि आपके भाई को ही ले लो, करण को। उस दिन उसे तमाशा जो खड़ा कर दिया था उसने उस दिन वहां उस स्टोर में। एनीवेज फॉरगेट इट। मैं ना चीजों को लेट गो करता हूँ, और इतनी शराफत तो है मेरे अंदर कि मैं चीजों को रिपीट ना करूं। सो लेट इट बी, इट्स गुड फॉर यू टू लेट इट गो। एनीवेज आपको पता है मैं ये सारी नेगेटिविटी से ना दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपनी एंगेजमेंट को लेकर। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं कि मुझे प्रीता जी जैसी वाइफ मिलने वाली है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जरूर रहिए मेरे एंगेजमेंट पर। आएंगे ना? I'll try. No, try वही नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना चलता है। आपको पता है जैसा मैं प्रीता जी के बारे में सोचता हूँ ना, प्रीता जी भी सेम मेरे बारे में वैसा ही सोचती है। मैं उनके लिए बेस्ट मैच हूँ, मुझसे अच्छा लड़का उन्हें मिल ही नहीं सकता। दैट इज सो स्वीट ऑफ हर कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। एंड सिर्फ प्रीता जी नहीं, प्रीता जी की मॉम सरला आंटी भी ऐसा ही सोचती है कि मुझसे अच्छा दामाद उनको मिल नहीं सकता। अब मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या है लव्स, वो मतलब मेरे दिमाग में है बट मेरी जुबान पर नहीं आ रहा है, वो क्या कहते हैं उसे। एनीवेज आपको क्या लगता है, आप बताइए क्या मैं उस लायक हूं कि प्रीता जी मुझे मिल सके? ये आदमी ये सब मुझे क्यों सुना रहा? नहीं, शोलिन ने पृथ्वी को हमारी बातों के बारे में बता तो नहीं दिया जब मैंने उससे कहा था कि पृथ्वी प्रीता के लिए सही नहीं? मैं आती हूं। अच्छा ये क्या था, शोलिन अचानक नर्वस ही क्यों हो गई? बहाना बनाकर हट गई या फिर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी? ऋषभ जी, नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। मैंने आपसे कुछ पूछा लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। एनीवेज आई नो आप क्या सोचते हैं। अरे आप प्रीता जी के परिवार से अलग थोड़ी ना सोचते हैं, आपको भी ये रिश्ता पसंद आया ही होगा, है कि नहीं? आखिर प्रीता जी आपकी दोस्त है तो आप उनका भला ही चाहेंगे ना, राइट? एनीवेज मुझे चलना होगा बिकॉज सरला आंटी मुझे ढूंढ रही होंगी। आपको पता है सरला आंटी हमेशा चाहती है कि उनका जो होने वाला दामाद है वो हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहे। एकदम बेटे की तरह रखती है मुझे, एकदम बेटा मानती है मुझे। आई फील सो ब्लेस्ड एंड शी थिंक्स आई एम द बेस्ट। चलिए सी यू। बहुत ही घटिया आदमी, नफरत होने लग गई मुझे। सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, जो कुछ बोलता है ना सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ही बोलता है। काश इस शातिर बंदे का असली चेहरा मेरे सामने। ये रहा सोना, लगता है आज ऊपर वाला हम पर बड़ा ही मेहरबान है। कमाल हो गया बॉस, मजा ही आ गया। ये तो वही बात हो गई कि ना हींग लगी ना फटकड़ी, रंग चोखा। चलो शुरू हो जाओ आप सब।
भाभी जी दीदी ले आई आप सेट्स? जी दीदी दो सेट्स ले आई, एक मैं शर्लिन को गिफ्ट करूंगी, एक आप कर देना। थैंक यू सो मच। चले रस्म शुरू करते हैं। बिल्कुल चलिए बैठ जा। अपनी होने वाली दुल्हन के पास तो बैठ। अब यहीं रुकना, मेहंदी की आखिरी रस्म होगी, शर्लिन को गिफ्ट दिए जाएंगे और फिर जश्न होगा। हटना नहीं यहाँ से। ओके ओके ओके। अरे समीर इधर। हाँ जी दादी। सुन उधर, करण, सरला जी, जानकी, महेश सबको बुला, रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है दादी, मैं यूं गया और यूं आया। ओ गॉड, ये लोग जानकी को यहाँ पे क्यों ला रहे हैं? ये लोग पागल हो गए क्या? कहीं जानकी ने मुझे देखकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो? अगर उसने मेरी तरफ देखकर कोई इशारा कर दिया तो? डैम, फिर मेरा और पुन्नू का तो सारा प्लान वेस्ट हो जाएगा। पुन्नू को अलर्ट करना होगा। शर्लिन बेबी, जानकी को मेरे पास लेके आ रहे हैं ये लोग। मुझे डर है कि वो मेरी तरफ इशारा कर देगी। प्लीज पुन्नू, जल्दी से आके मुझे जानकी की नजर से बचा लो प्लीज, क्योंकि इस वक्त मैं यहां से उठकर नहीं जा सकती, रस्म होने वाली है। जानकी बुढ़िया, डोंट वरी शर्लिन बेबी, तुम्हारा पृथ्वी ऐसा होने नहीं देगा। शर्लिन पुत्र, ये गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। खोल के तो देख कैसे लगा। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा है। और बेटा ये मेरी तरफ से। अरे लेकिन आंटी इसकी क्या जरूरत थी, आपका प्यार ही काफी है। बेटा रस्म है, होने वाले दूल्हे की माँ होने वाली दुल्हन को गिफ्ट देती है, और ऋषभ तो मेरे बेटे जैसा है, सो प्लीज। थैंक यू। अरे मेरे कंगन कहाँ है? ओफो मम्मी जी, वो तो मैं कमरे में ही भूल गई। आई एम सो सॉरी, मैं अभी ले आती हूँ। रुक जा, मैं लाती हूँ। करीना दी, मम्मी हम सबसे इतना प्यार करती है ना, देखिए खानदानी कंगन लेने गई हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पहनाए थे, और अब हमारी नई दुल्हन को देंगी। ये जानकी बुढ़िया तो यहाँ पर है ही नहीं। फैंटास्टिक। अरे बेटा खोल के तो देखो। जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। एक मिनट। एक बात तो बताओ, ये नेकलेस तुम्हें कैसा लगा? अरे लो ना। खूबसूरत है एक्चुअली। इतना अच्छा डिजाइन और इतनी सुंदर कारीगरी मैंने तो अपनी लाइफ में पहले कभी देखी ही नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती प्रीता, एक सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब क्यों नहीं देती तुम? कह दो हार बहुत सुंदर है। मैं जानती हूं ये हार नायाब है, और तुम्हारे मिडिल क्लास स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा है ये हार। देखते नहीं यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, वैसा कर
जानकी को लेके उधर कहीं चली जा। करीना, पार्टी चल रही है ना? वैसे एक बात कहूं आपसे, आपने बिल्कुल सही कहा था। प्रीता ने इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी आज तक नहीं देखी होगी, ये तो उसने खुद अपने मुंह से ही कहा ना। लेकिन उसने हार की तारीफ सच्चे दिल से की थी। इतना तजुर्बा ना होने के बावजूद उसने एक अनमोल हार पहचान लिया। वो लड़की तारीफ के लायक है। सच कहूं तो कमी हम लोगों में है। हमें कभी सच्ची और अच्छी लड़कियां मिली नहीं, इसलिए शायद हमने प्रीता की कदर आज तक नहीं की। पैसा फेंक के हम बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन चिराग लेकर ढूंढने के बावजूद ऐसी लड़की हमें नहीं मिलेगी दीदी। भाभी आप ना, ये करीना जी आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? आप सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, और स्पेशली करीना बुआ, आप अगर अब किसी ने प्रीता को कुछ भी कहा ना, तो मैं ये शादी अभी यहीं के यहीं तोड़ दूंगा। और फिर किसी को क्या लगता है, कोई क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं। हद होती है किसी चीज की। ऋषभ पुत्र शांत हो जा, पार्टी चल रही है, सारे मेहमान देख रहे हैं। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बता, आज के दिन तू शलिन को क्या गिफ्ट देगा? तेरी तरफ से कोई तो गिफ्ट बनता है ना? कमरे में लेकर आ। सृष्टि, बोलो तुमने मुझे बुलाया क्यों? तू म्यूजिक हैंडल कर रहे हो? हाँ तो? तू जल्दी से जाके लाउडस्पीकर जोर से बजा दो ना, ताकि तुम्हारी करीना बुआ की बकवास उसमें गुम हो जाए। That's a brilliant idea. Give me a five. ताली दो। लंबो होशियार हो गई। रुको, क्या हुआ? हमने अलमारियों को तो देखा ही नहीं। ये जो माल हमने बटोरा है, ये दो औरतें अपने लोकर से निकाल कर लाई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि अलमारी में इससे डबल माल होगा, पक्का। मैं तो ये कहता हूँ बॉस, कि जब हमें मौका मिल ही गया है, तो चौके क्यों मारे, छक्के पे छक्के जड़ देते हैं ना, और फिर ग्राउंड के बाहर। क्या कहते हो? तू सही कह रहा है बंधु, अगर और माल हुआ तो हमारे 10 साल की टेंशन खत्म। चल बॉस, ये कंगन देखो जरा, इनकी बनावट देखिए, बहुत नायाब लग रहे हैं। ऐसी चीज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी मैंने। अरे चीज तो बढ़िया लग। ये कंगन नीचे क्या कर रहा है? ये सब ज्वेलरी के डब्बे बाहर क्यों हैं? और खाली, अरे कुछ तो गड़बड़ है। कौन है? कौन है? प्रीता यार, कहाँ थी तुम? एक प्रॉब्लम है यार, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसे हेल्प? ये लो, फिर कहीं चली गई। अभी तो यहीं कहीं थी। आई डोंट नो कहाँ चली गई। क्या कहीं चली गई? वही जो ढूंढ रहा हूँ। किसे ढूंढ रहे हो तुम? अरे जो खो गया है। हाँ लेकिन क्या खो गया? अरे बाबा बोला ना, वही जो ढूंढ रहा हूँ। अरे पर किसे ढूंढ रहे हो? अरे
जो खो गई है। क्या खो गई है करण? प्लीज बातों को घुमाना बंद करो, मुझ में इतना धीरज नहीं है। साफ साफ बताओ क्या ढूंढ रहे हो। अरे मतलब धीरज नहीं है मतलब क्या? धीरज रखना पड़ेगा, पहले ही बोला था प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं डांटती, लेकिन प्लीज मुझे सिर्फ दो लफ्जों में बताओ कि क्या ढूंढ रहे हो, क्या है? ओ मैडम, प्यार का इजहार करने में भी ना 3 वर्ड्स लगते हैं, आई लव यू। और तुम कह रही हो मैं सब कुछ 2 लफ्जों में बता दूं, कैसे पॉसिबल है यार? समझ गए, तुमने बताना है तो बताओ वरना मैं तो जा रही हूं। ये अच्छा है, पहले वो चली गई, अब तुम कह रही हो कि तुम भी जा रही हो। कौन चली गई? जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। करण तुम किससे ढूंढ रहे हो, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी स्माइल को।